Maru mama mi sharana alo tujha paya mul marathi ha dasbodh marathi mere ko dasbodh perfect study kya bole hetini dasbodh ne helad ke nanti दासबोध प्रवचन 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 कर मराठी में प्रवचन क्या मेरे को मगर भाषा नहीं आएगा अंतरण नहीं हुआ हिंदी में जरा 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 गलत हुआ अभी क्या करेगा वो कन्नड़ा जास्ती है इधर से कर्नाटक है कर्नाटक भाषा जास्ती है सब लोगों को मैं कन्नड़ा आएगा कोई हिंदी और इंग्लिश मराठी है इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश है सो रामदास का पवित्र ग्रंथ दासबोध मेरे गुरु शिक्षण नहीं हुआ है बेटे एक एक साल भी नहीं स्कूल में जा रहे मगर आपका चैलेंज दिया मैं आपका चैलेंज दिया क्या करेगा दासबोध में एक पेन अंदर से कोई पेज में डालो लगाओ उनका पेज क्या है कितना पेज का पेज का नंबर क्या है उनका पूछ ओ मेरे गुरु को पूछो 65 पेज क्या दशक क्या है दशक पांचवा समास आठ उनको जस्ट बोलो टोटल एक्सप्लेन किया अरे बाप रे हे पावर आज हम लोग भी है ना दासबोध लेने के लिए आए आपको ये हम लोग हमारे पास पंडरपुर में हमारा हमको जो चाहिए वो मिला नहीं मिला नहीं हम लोग दासबोध नहीं हम लोग ढूंढ रहे तीनों को लेना है हमारे पास अभी ये नवनाथ ग्रंथ है अभी गाड़ी में इतना पुस्तक है हमारे पास दासबोध नहीं है मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में देखता हूँ प्रकाटसाहेब कामते साहेब तुम्ही सगळे असल्यावर असं होते बघा सगळे अहो दुंडाबम्मा तुम्ही सांगता तसं आहे बघा सगळे बैठने के लिए राट में 30 इयर्स वो पानी निकलते वही ना गड़गड़ी ना गड़गड़ी क्या रोलर 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 में बैठने 36 इयर्स अरे बाप रे 36 इयर्स और यहाँ पे उनकी गादी है ना ये गादी है ओहो ये साथी है परंपरा का उद्भव मूल कांड सिद्धेश्वर गुलिंजन महाराज औजीकर महाराज और भाऊसाहेब महाराज गिरमल्लेश्वर महाराज औजीकर महाराज संगमेश्वर महाराज सिद्धरामेश्वर पात्री महाराज माधवानंद प्रभु जी जगन्नाथ महाराज और रेवंश सिद्धेश्वर महाराज प्रेजेंट इंचगिरी परंपरा का गुरु है प्रेजेंट रेवंश सिद्धेश्वर महाराज रेवंश सिद्धेश्वर प्रेजेंट प्रेजेंट शुरू यहाँ से हुआ गया हाँ शुरू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर मुझे बताइए 3200 आपके शाखा है ऑल ओवर कंट्री 3200 तो यहाँ मेन शाखा कहाँ पे है मेन 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 विजयपुर डिस्ट्रिक्ट चड़चंद तालुक इंचगिरी मूल मठ हेड ऑफिस वहाँ के गुरु कौन है वहाँ के गुरु कौन उनका वो हेड ऑफिस का और मूल मठ का गुरु है समर्थ सदगुरु रेवन सिद्धेश्वर महाराज और यहाँ के मठाधिपति कौन है अभी 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 इधर से स्थापक और मठाधिपति समर्थ सदगुरु मल्लेश्वर महाराज उधर से बैठे के लिए आपका दर्शन ये मेरा गुरु का गुरु औजीकर महाराज औजीकर महाराज ही इज पावरफुल ऑफ मैन यहाँ पे है ना हाँ देखो He is one of the most powerful man in the country. China hai Janatra Dattatre Jayanti hua. Matlab mera ka guru ka janm Dattatre Jayanti mein hua. Dattatre Jayanti mein hua. Aur idhar se Hanuman ka kya kya? Mera guru pehlwan hai. Pehlwan. Garadi kusti mani genatre. Kusti mani genatre pa? Pehlwan. Pehlwan hai. और अभी चीज है क्या ना मेरे गुरु ध्यान का हनुमंत का स्वरूप दर्शन दिया अखंड शरीर का
हनुमंत अवतार क्या शरीर आने के लिए आशीर्वाद दिया आंजनेय स्वामी मेरे गुरु का। और एक चीज़ है, कर्नाटक और भारत में कोई राज्य और कोई कंट्री में अभिजीकर मठ स्थापन होने के पहले से एक काम किया था, क्या पहले हनुमान मूर्ति बनेगा, फर्स्ट हनुमान मूर्ति और सेकेंड मठ चीज है आंजनेय का और अभिजीकर मठ। क्या 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 समझ में नहीं आया क्या क्या है ना, अभिजीकर मठ अभिजीकर आश्रम का किधर से बनेगा क्या बोलेगा आपको, देखो औजीकर महाराजा है मेरे का गुरु का मठा मठ और आश्रम कोई प्लेस में स्टार्टिंग हुआ और स्थापने के लिए फर्स्ट मठा नहीं स्थापने के लिए मठ नहीं चाहिए मठ स्थापने नहीं फर्स्ट हनुमान बनेगा मूर्ति फर्स्ट हनुमान मूर्ति हाँ और छोटा और बड़ा कोई हाँ फर्स्ट स्थापन हनुमान का मूर्ति और अपोजिशन हाँ मैं इधर से एक मूर्ति बनेगा पंचमुखी का और दूसरा का नरसिंह अवतार आंजनेय का और अपोज ये निकलेगा उनका न्यू बनेगा देवस्थान का बनेगा और मगर उधर से एक हनुमान मूर्ति वो लाइट कम में एक हनुमान मूर्ति बनेगा बाद में वो बुरी सर मुझे और एक बताइए से रिकॉर्ड कर तुम्हारा मन फुल सर मुझे और एक बताइए अभी कमते साहब हमारे है ना उन्होंने मुझे एक बात यहाँ पे निदर्शना सांगली माला एक गोष्ट तो ये है उनके आपके रावजी महाराज हैं उनके गले में गन गुनगड़गे है हो क्या है ना है गुनगड़गे अभी क्या है ना इधर से है लिंगायत का मंत्र और पूराश्रम में उनका घर में रहते के लिए उपदेश नहीं दिए के पहले से गुरु का बेट होने के पहले से क्या करेगा लिंग पूजा करेगा सब लोगों गुरु के बेट होने से पहले से लिंग पूजा किया था लिंग पूजा वो लिंग पूजा का जागृत अवस्था है सपन का और नहीं सुसुप्ति का नहीं कोई व्यक्ति जागृत है ना उनका लिंग पूजा हुआ और मगर सपन में और जागृत में सपन में और सुसुप्ति में क्या कर उनका में उनका गुरु गिरमलेश्वर महाराज उनका गुरु वो क्या बोलेगा जागृत अवस्था में आपको लिंग पूजे किया और स्वप्न सुसुप्ति में क्या किया उनका अवस्था में ध्यान हो गए ध्यान करो अभी क्या करो उनका टाइम में ध्यान करो वो कोई क्या करो उनका बोलेगा और एक श्वास का एक मनुष्य का श्वास से क्या है ना 24 आवर्स में पर डे एक व्यक्ति का श्वास 24 आवर्स में 2600 श्वास होता है और नीचे का बाहर सा और 2600 का श्वासों श्वास का उपदेश देना उनका उपदेश देने के लिए ध्यान करने के लिए बाद में क्या हुआ था जागृत का लिंग अवस्था मर चुके मरेगा है जागृत है सुप्न सुसुप्ति नहीं और लिंग पूजे छोड़ेगा अखंड ध्यान किया और लिंग में होने के बाद मेरे को गुरु का लिंगई के होने के सिंबल है लिंगई के हुआ क्या बोलेगा मरेगा आपको मरेगा बोलेगा कर्नाटक में लिंगई के हुआ लिंगई क्या मरेगा सो उनका सिंबल है लिंगई के कोई बात है आपका एक्सपीरियंस बताओ कि लिंगायत आपको एक उन्होंने बताया था जरा उनको भी ये हमारे यहाँ एक आदमापुर को एक पालखी जा रहे थे और वहाँ पे एक स्वामी थे जो लिंगायत धर्म से है और